थैंक यू आरपी जी राहुल गांधी जी जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी थे हो गया हो गया राहुल गांधी जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी थे एंड ही वाज इधर अ प्राइवेट सिटीजन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना वॉज नेवर हिज स्ट्रांग पॉइंट अगर आप बैठे और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं ओवर द ईयर्स उनको कुलेट करें तो उसमें कई इंटरेस्टिंग बातें निकलती हैं अ सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज स्टेटमेंट्स वुड बी दैट शायद कुछ इशूज पे उनको समझ नहीं है और वो ही स्पीक्स आउट ऑफ इधर इग्नोरेंस और अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बट ऑफ लेट मैं देख रहा हूं कि ही इज नॉट इन दैट मोड कुछ ऐसे इशूज हैं सेंसिटिव विच इन्वॉल्व आर नेशनल आइडेंटिटी आवर यूनिटी द स्ट्रेंथ ऑफ आर यूनिटी इन डायवर्सिटी इन चीजों के बारे में जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नेरेटिव विच आई थिंक इज अ डेंजरस नैरेटिव उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अब उन्होंने इस यात्रा के दौरान ऑब्वियसली हैड आरपीजी ऑडियंस ऑफ पीपल वेयरिंग टर्बन तो आउट ऑफ द ब्लू ही सेज की भारत में सिख कम्युनिटी हैज अर्टन एंग्जायटी दैट दे कैनॉट टाई अ टर्बन वेयर अ टर्बन और कड़ा पहनने में मुश्किलत है उनको Now, I've been wearing a turban for over six decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kara even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community. And I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history after 1947. and if there has been one time in our history as a community where we have felt anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity, and we have felt, in fact, an existential threat, it has been at times when shri rahul gandhi's family has been in seats of power mahabubatata in 1984, mein, a pogrom was carried out against the sikh community. 3,000 innocent people were killed. people were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive. these are all documented cases and charge sheets have been filed against those people. and the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made that this is as close a justification to targeting of minority communities as I have ever seen in my life. ये राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट क्यों करते हैं एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके जो इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं क्या नाम है उनका? Sam Sam तो। कहा था कि ये अभी पप्पू नहीं रहा अब वो पप्पू रहा नहीं रहा क्यों उनको ये कैरेक्टराइजेशन दी गई नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली पप्पू है या गप्पू है आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज समथिंग लाइक दैट उनके इंस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट वन नेशन और आइडेंटिटी को जो नॉर्थ से आते हैं वो कहां से आते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो चाइनीज होते हैं ऐसे तो लोगों की कंपनी में ये है तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ऐसी ये बातें कर जाते हैं बट आई थिंक दिस इज फार मोर सिनिस्टर वाई इज दिस मोर सिनिस्टर कि वो जो उनके सामने लोग बैठे थे अर चैप्स मेरे मेरे कम्युनिटी के हैं जो आपने ईमानदारी से देख टूकआउटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट और मेहनत करते हैं उन लोगों को क्योंकि उनका देश के साथ वैसा संबंध निरा दिया नॉट एन नॉलेज उन लोगों के बीच में ये गलत नेरेटिव राहुल जी स्प्रेड कर रहे हैं और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं मैं उसमें नहीं जाता हूं याद अड इस बहुत बड़ी लार्ज इकोनॉमी है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है कभी कुछ कह देते हैं अभी हीज लेट लूज अ डायट्राइब अगेंस्ट दर एस एस यू नो ही ऑट टू एजुकेट हिमसेल्फ इफ देर इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज कम फॉरवर्ड वेन एवर वी वैड प्रॉब्लम्स इट इज दर एस एस एंड टू अटैक द And to attack the country, I mean, I think in, during this process, it has made it worse because he has not gone out of India as an ordinary citizen, as R P says. He has gone out as a leader of opposition. And what has happened during this? He has attacked the legal system in India. He has attacked, um, as I can see, it, the uh, outcome of the elections. He has said that uh, our accounts were frozen. by context of batao. tao. account, kyo freeze hua? Oh, context to they No, but he goes on this and maligning the country, running down the country. Don't give credit to the fact that we are a robust democracy, we are the world's largest democracy, we are a mother of democracy. At least acknowledge your own ancestors and generations which have also contributed to this country. No, he runs the country down totally. And I think the icing on this is that sikhs, whether they can wear turbans. i mean, i go around the country. i mean, i travel in the north, the south, extreme, the backward areas, tribal areas. i have never come across any case where any sikh has voiced a problem about wearing a turban or supporting a karab. and yet, during the pogrom against the sikh community in 1984, many of my friends, because they were being attacked, they, they got shave, clean shaven and shed that turban out of fear, not as a matter of choice. what you do as a matter of choice is entirely your choice and you should go ahead and do it. but the real problem is we are today have this youngster who happens to be the leader of opposition. now, he's drawn oxygen from the fact that in three elections put together, the congress tally doesn't even come to 200. Last time they came to 99. So I think the time has come to nail this lie once and for all. And I call on my Sikh compatriots, my brothers and sisters, to see what kind of statements he is making. And show them up for the nonsense that it is. You know, in the last 10 years, the most of which, during large part of which time, I have had the privilege of being a part of the Honorable Prime Minister's team. What all he has done! Every time the Honorable Prime Minister goes to the gurdwara, he's wearing a turban. All the demands, outstanding demands of the Sikh community, have been met up front. The Kartarpur Sahib corridor, Chabal. Veerbal Devas, all are all are this thing. I mean, they have been listed, etc. But more important. I think the sentiment in this government is even the remaining issues, whether they are related to farmers, etc., we are happy to sit and talk and resolve outstanding issues. So I condemn in the strongest terms the statement that he has made about Sikhs not being able to wear turbans or karas, And I think this should be shown up for the lie that this is. Thank you. Any questions? आपने सवाल ऐसी तरीके से पूछा है कि उसका जवाब आप ही के सवाल के अंदर है सिख कम्युनिटी देखिए मेरा तो मैं तो आई एम अ पोस्ट पार्टीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोडक्ट बट माय फैमिली हैज अ रिलेशनशिप विद दिस कम्युनिटी फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दे हैव बीन इन द सेवा ऑफ द गुरुज यू अंडरस्टैंड तो राहुल गांधी चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है बट राहुल गांधी को आई थिंक ही नीड्स टू डू सम सीरियस इंट्रोस्पेक्शन और सिख कम्युनिटी जो है दे आर अ प्राउड कम्युनिटी दे हार्ड हार्डवर्किंग कम्युनिटी बट दे आर ऑल्सो इमोशनल तो ऐसी स्टेटमेंट जो मिसलीड करने का नैरेटिव बनाने की कोशिश है आई थिंक दे विल बी शोन अप टू बी द होलो लाइज दैट दे आर और कोई सीख तो पगड़ी पहनने से मुझे तो नहीं लगता कोई भी कहीं भी इन in इंडिया और आउटसाइड विल एवर डीविएट फ्रॉम दैट पाथ Ek, ha, ek kısım, ben yine sahne yönetmenim soru var देखिए पहली बात तो यह है मैं आपको बस समझाऊं कि सिविल सर्वेंट जो देश चला रहे हैं आई थिंक द रेफरेंस इज टू दविनेंटेड सिविल सर्विस जो यूपीएससी में इम्तिहान दे के आते हैं दे कम थ्रू ए पर्टिकुलर रूट जिसमें जब मैंने इम्तिहान दिया था 73 में और 74 50 पचास साल पहले मैं आई गॉट रिक्रूटेड देर वॉज अ रेजर्वेशन फॉर एक्स परसेंटेज फॉर शेड्यूल कास्ट सो मनी परसेंटेज फॉर शेड्यूल ट्राइब एटसेट्रा हमारे टाइम पे शायद पैंतीस परसेंट सारी मिलाकर थी एटसेट्रा अभी वो ज्यादा है एटसेट्रा तो विद इन दिविल सर्विस एंड द राइज एटसेट्रा बट दिस गवर्नमेंट मोदी जी गवर्नमेंट हैज डन मोर फॉर रिजर्वेशन इनसे पूछे जब आप सत्ता में थे दो हजार चार और चौदह के बीच में बाकी चीजें तो छोड़िए सिविल सर्वेंट को तो आप कह सकते हैं जो चलाते हैं या नहीं चलाते हैं या पॉलिटिशियन चलाते हैं उसमें तो अलग से डिबेट हो सकता है पर आपके राजीव गांधी फाउंडेशन में जरा बताना आपने कितने डाइवर्सिटी दिखाई इन टर्म्स ऑफ कास्ट बताइए मैं आपको आपके सामने स्टेटमेंट बनाता बताता हूं जो राहुल गांधी जी के पिताजी के समय की है जो उनके बाकी परिवार के सदस्यों की हैं कि नहीं 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 हम इ, हम रिजर्वेशन uh, नहीं ला सकते क्योंकि इससे इनएफिशिएंसी um, बढ़ जाएगी दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स इन द पब्लिक डोमेन तो राहुल गांधी जी के ऐसे स्टेटमेंट करना पता नहीं कहां ये स्टेटमेंट है किया हैव नॉट सीन द फुल पार्ट ऑफ इट बट इट इज यू नो पॉसिबल बट दैट दिस विल ऑल्सो sorry तभी तो मैंने कहा ना ही कंट्री तो तभी मैंने कहा बिकॉज आई हैव सीन स्टेटमेंट्स और एक तो मैंने जो बोलता मूर्खता कई लेवल्स की होती है साधारण किस्म की मूर्खता होती है जो आप बच्चों के साथ एसोसिएट करते हो कभी कभी विदाउट नॉलेज कुछ चीजें कह जाते हैं फिर एक असाधारण क्वालिटी की होती है एक्स्ट्रॉर्डिनरी ये तो चक्रवर्ती क्लास चीजें कह जाते हैं नहीं मैं तो रिलेट इसलिए कर रहा हूं पहली बार तो शुरुआत ये है कि इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं थी अदर देन द फैक्ट दैट ही वाज जैसे आपने मेरे को आज यू वॉन्टेड मी बाय योर प्रेजेंस हियर यहां पे पत्रकार रहते हैं अगर मैं आप डिस्टिंग मेंबर्स ऑफ फोर्थ स्टेट को देखे मैं पत्रकारों को गाली देनी शुरू कर दू ये तो वही किया उन्होंने सामने लोग बैठे थे उसे नाम पूछते हैं फिर उतारे कौन है फिर आपके हो, हो, हो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है कड़ा पहनने में कहा हो रही है यू you नो know, हमारे रिलीजन गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब मैं देश में जहां पे भी जाता हूं अल, अलग डिफरेंट कॉर्नर्स वेरी प्राउड गुरुद्वारा साहब छोटी छोटे एंड दे रेवरेंस समाज सेवा जो करते हैं लंगर सेवा जो करते हैं क्या बोल रहे हैं पगड़ी पहनने में मुश्किल हो रही है मैंने बोला है, हमारे इतिहास में एक ही बार वो हुआ वो हुआ जब द लेट श्री राजीव गांधी मेड दो स्टेटमेंट्स एंड एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम वाज कंडक्टेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ माय कम्युनिटी नहीं नहीं देखिए 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 दो अलग स्ट्रीम्स हैं राहुल गांधी जी स्टेटमेंट्स देते हैं जो मैंने कहा कि चक्रवर्ती क्लास की स्टेटमेंट्स हैं ये उसकी कारण उनकी अपनी जो स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठते हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी वो इस स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम

Uh, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक ऐसे लेवल पे ले आए हैं जो कभी भी नहीं थे तो देश की वो कोशिश कर रहे हैं छवि खराब करने की इस प्रोसेस में वो अपनी छवि ज्यादा खराब कर रहे हैं देश वेरी स्ट्रांग एंड आई थिंक द कंट्री हैज बोथ द कैपेसिटी एंड द डिजायर एंड विल लुक थ्रू दिस काइंड ऑफ फॉल्स एंड डेंजरस नरेटिव सेटिंग अगर बाहर देश के बाहर जो लोग बैठे हैं उनको आप भड़का रहे हो कि देश में ऐसा हो रहा है कहाँ हो रहा है वो ये कह रहा है कि जो उसको सीट नहीं मिली ना वो कंट्रोल थी इसको जो मिल गई वो तो फ्री थी तो ले गया अरे भैया मेरे अंकिल तीन चुनाव में मिला के सीटें 200 नहीं बनती ये भी अगर कंट्रोल थी 2019 वाली भी कंट्रोल थी 2014 वाली भी कंट्रोल थी इसका क्या जवाब दोगे भाई आई पर्सनली विल फाइल नो कंप्लेट बट आरपी इज डाइंग टू से समथिंग

अरे मैं माफी क्या भाई उसको कितने की, की क्या छोड़ <laughs> मैं तो डिमांड करता हूं पर उनको कुछ कुछ अगर अंदर से उनको हो तो ही शुड अपोलोजाइज उन्होंने 84 के बाद उन्होंने अरे सोनिए मैंने तो उनके पिताजी की बात की उनके ग्रैंड मदर ने तो फौज भेज दी थी दरबार साहब पे हमला कर उसकी उसकी माफी उन्होंने कब मांगी है आज तक भी सही तरीके से मांगी है तो क्या वाई डू वॉन्ट टू वे यू नो है लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिमांड्स की उस पर माफी मांगे ही इज सेटिंग ए

Don't be harsh on him. Even when he is within the country, he says silly things. <laughs> no, I I think that I see I see a dangerous narrative setting attempt here. Now, this by itself shows limited or flawed understanding and a desire to create mischief. Whether this is part of a larger comp conspiracy, we'll find out. I mean, it could also be that he's appealing to groups which have a sense of alienation to come forward and create other problem. I mean, one of the things that's been pointed out to me is that the language he uses and the language which a uh, uh, fugitive from our law, they're living in New York. Oh, but, uh, He uses is remarkably similar. Now, that is a conspiracy. Whether this is a, I don't know whether it's part of it. We'll find out. Whether he's been meeting him or I, I don't know. I don't know. दिल्ली की सरकार ने मतलब दी, दी आम आदमी गवर्नमेंट के बारे में तो 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 राहुल गांधी ने कहा तो कहां ले रहे हैं रेजिडेंस <laughs> इटली स्पेन जहां पे अफसर उनके घर आएंगे नहीं मेरे को पता नहीं समझ नहीं आया मेरे को ये इशू अरे भाई उनके कई केसेस में ही इज इज आउट ऑन बेल स्टिल कई केसेस है ना उनके खिलाफ तो पता नहीं वो आई डोंट नो व्हाट इज थिंकिंग इज व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड इज जस्ट नाउ आई आई एम नो नॉट थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू दिल्ली का क्या बोलना है नहीं नहीं मैंने मैंने देखी है रिपोर्ट देखी है मैंने अरे अभी आज इशू हो रहा है bye, -bye.